नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नरसुल्लागंज जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए सभी दावेदारों ने अपने अपने स्तर से अध्यक्ष पद के लिए जोर आजमाइश की। इस पर भाजपा ने भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर को चुनाव प्रभावी बनाकर नरसुल्लागंज भेजा, जिन्होंने सर्व मंगलम पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की, जिसमें मंजू अवध पटेल का नाम अध्यक्ष के रूप में सामने आया। परंतु पूर्व जनपद अध्यक्ष दुलारी बाई देवी सिंह धुर्वे ने भी अपनी दावेदारी का पेंच फंसाया। लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा मंजू अवध पटेल को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने में सफल रही। वही उपाध्यक्ष रूपाली व्यास चुनी गई। जनता पार्टी संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ मुझे नरसुल्लागंज पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था। यहाँ के मैं सभी जिला पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल के कार्यकर्ता और जनपद के हमारे सभी निर्वाचित सदस्य और उनके समर्थक सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि सभी ने एक मत होकर अपने ही बीच की बहन आदरणीय मंजू अवध पटेल जी को अध्यक्ष के पद में निर्विरोध निर्वाचित करवाया है। साथ ही सभी ने मिलकर उपाध्यक्ष पद पर रूपाली व्यास, जो अब उपाध्यक्ष हो गई हैं, सब ने सामूहिक निर्णय किया और भारतीय जनता पार्टी की उस परंपरा को जीवित रखा कि यहाँ पर एकल निर्णय नहीं होता, यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही जनपद के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाला कल सब इस नरसुल्लागंज के लिए बहुत सुंदर है, क्योंकि इस क्षेत्र से प्रदेश के ही नहीं, देश के जन जन के नेता, जिनको मामा के रूप में सब जानते हैं, उनके क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव हुआ एक अच्छी शुभ संकेत है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र नरसुल्लागंज जनपद पंचायत के जो आज चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनपद सदस्यों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे 24 सदस्य जीत कर आए थे और उन्होंने आपस में बातचीत करके, तालमेल करके और निर्विरोध जनपद अध्यक्ष का और निर्विरोध जनपद उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न किया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं जनपद सदस्यों को देना चाहता हूँ। ये संभव इसलिए हो पाया कि हमारे पार्टी के सभी जनपद सदस्य एक मत से पार्टी परिवार में उन्होंने निर्णय लिया और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का ये क्षेत्र है, इसलिए पूरे प्रदेश में ये संदेश जाना चाहिए कि यहाँ पर जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए। मंजूबाई अवध पटेल जनपद के अवध पटेल हमारी जनपद की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। साथ में हमारे रूपाली श्रवण व्यास उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। ये दोनों जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मैं अपनी ओर से और पार्टी परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पूरे जनपद के मेरे जो भी साथी सदस्य हैं उनको भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सब ये लोग हम साथ में रहकर बढ़िया जनपद पंचायत के कार्य और विकास करेंगे। नरसुल्लागंज से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।